2300 किलोमीटर्स बाय वॉक. मेरा रिएक्शन ही कुछ नहीं है, मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है. मतलब मैं 700 किलोमीटर बाइक पे जाके सोचता हूँ, यह है अचीवमेंट. दिस इज कॉल्ड संगम पॉइंट. यहाँ पे एक रिवर है, इसका कलर ब्लू है, जो सामने आ रही है दैट इज डिफरेंट. तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको. दिस इज कॉल्ड संगम पॉइंट, शायद यही कहते हैं इसको, मुझे अच्छे से पता नहीं है. बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, फोटोज वोटोज खिंचा रहे हैं. और ये जो रोड बन रही है ना सामने, ये सीधे पठानकोट को निकलेगी इन फ्यूचर. अभी तो ये रेडी नहीं है, फिर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये टनल से भी होके निकलेगा, तो इट विल बी वेरी शॉर्ट. तो बट अपन तो यहाँ से इस बार जा नहीं सकते, नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो 100%. तो अभी निकलते हैं फटफट. तो मुझे बहुत ही अनयूजुअल चीज़ दिखी यहाँ पे ना, ये बुफोर्स गन इन्होंने पहाड़ के ऊपर ऊपर रखा हुआ है. कैसे ले गए होंगे वहाँ मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट रखा हुआ है सेम वहाँ पे भी. मतलब ये एक आर्मी एरिया है. यहाँ मेरा नीचे जाने का मन तो था, बट ये आर्मी एरिया है, यहाँ पे अगर रुकेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए कहीं और दूसरी जगह जहाँ पे पानी होगा ना पास, वहाँ पे जाएंगे. I have met two guys. आप कितने दिन से बाहर हो? One girl and one guy. मतलब general. It's general, not gender. तो they have left their home 5 months before and they are walking and they came from Manali. Manali वाले रास्ते से लोग पूरा लेह करके वापस जा रहे हो ना आपकी? अभी Zanskar जा रहे हैं, वो भी on by walk. जो लोग बहाना मारते हैं ना कि मेरी बाइक अच्छी नहीं है, साइकिल है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे आऊं, भाई सारी चीजें उस टाइम खत्म हो चुकी इनके सामने. ठीक है, दे आर लिटरली सीरियसली, मतलब इट इज आउट ऑफ माय हेड कि कोई ऐसा कुछ कर सकता है. यू आर एक्चुअली, माय नेम इज निखिल. निखिल एंड परिधि. तो यू आर, व्हाट यू डू इन लाइफ एंड ऑल दैट? राइट नाउ वी आर डूइंग दिस, वी हैव लेफ्ट आवर जॉब्स. इंजीनियर देन? नो, इंजीनियर असिस्ट बाय ग्रेजुएशन, बट आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए एंड वर्क एज एन एचआर बिजनेस पार्टनर इन विप्रो. शी यूज्ड टू वर्क इन अ ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी. सो मी, यू मी? या, आई वाज वर्किंग विद ग्रेम कंसल्टिंग एज अ ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट. ओके, लेफ्ट अ जॉब. I am doing MSc in Space Sciences and whoa. Oh my god, nice. Whoa. In Jammu? So, I am in ISRO. Oh, beautiful. You're with ISRO? With ISRO, yes. Oh, wow. Central oh, University wow. of Jammu. Amazing. I didn't want to tell it on vlog, but it did happen. I wish them all the best for the Zanskar and whatever they are doing amazing, man. 2300 kilometers by walk. मेरा रिएक्शन ही कुछ नहीं है, मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है. मतलब मैं 700 किलोमीटर बाइक पे जाके सोचता हूं, यस अचीवमेंट. बट इट इज एन अचीवमेंट यार, ये इज वेरी बहुत डिफिकल्ट है, इवन ऑन बाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट, वी कैन अंडरस्टैंड दैट. बट ऑल द रियली ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट बड़ी. ओके, वी विल सी यू समवेयर ऑन इंस्टा. You are on Instagram? I am on Instagram. I'll connect them on Instagram and definitely send them a message and stay connected lifetime. Sure, of course. And we'll try to follow up with you one trip. Yeah, absolutely. We have a lot of treks identified here. Maybe you can accompany. Okay, definitely, definitely. I am a wanderlust. Main bahut zyada ghumta. Very nice. Chalo, I think I should let them go, and because they are on very big journey, and this is an achievement, man, big achievement. So all the best, tata, bye bye. So this uncle ji hamare Maharashtra se chale hue scooty activa pe, and he Jitender Pawar. Follow karo, like karo, subscribe karo, share karo inka channel bhi. Uncle, yes, it is like this unka. It's really amazing yaar. And boss, this is my second time. Second time. He is doing Leh for the second time from Maharashtra, and there are lot of people right now. They are talking from lot of navel. And the first two rides, Mumbai to Leh Ladakh. First two rides, okay. Afterwards, each and everyone started. He was the first one to do the ride on Activa to Leh in India, actually, man. So that is a sense of really big achievement, sir. Big achievement. Okay. Then I'll take. You'll leave. Met these amazing guys. एक vloggers meet जैसी हो गई है.
ये तो पैदल निकले हुए हैं भाई, बड़ी हिम्मत है। और जय हिंद, चलते हैं हम भी, निकलता हूँ, लेट हो जाएगा मुझे कारगिल के लिए। लेट देम, डू नॉट डिस्टर्ब देम, ज़्यादा डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं होता है। तो लोग यहाँ पे वहाँ पे कैंप कर रहे हैं अपना। एंड मैं ये दिखाने आया था आपको, ये सामने जो रेंज है ना, ये कैसी अजीब सी है। मतलब मैंने तो ये पता है, ये ऑल, ये आप लगता है कि ये पत्थर है, बट ये पत्थर होते नहीं है। दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर मिट्टी होती है जमी हुई, बाय। तो बट ये लोग पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। एक बार मोमेंटम पकड़ लो ना आप, तो फिर दिक्कत नहीं होती ऐसे ऑफ रोड पे। दिस इज ऑफ रोड, सिर्फ आपको ये वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे नीचे उतर गया था, सो दैट आई कैन शो यू दिस थिंग प्रॉपरली विद द वाटर फ्लो। कारगिल है कोई 75 किलोमीटर्स, बस एक घंटे के अंदर फटफट करेगा तुम्हारा भाई। 3 बजे के पहले कारगिल होना है, मैंने 3 बजे तक कारगिल होना है, दैट इज द टारगेट। हेलो, समथिंग इज हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज सम ट्रेडिशनल थिंग हैपनिंग। बाय, कुछ इनका ही ट्रेडिशनल चीज है जो आज यहाँ पे हो रहा है, सम काइंड ऑफ पूजा हैपनिंग हियर। बाइक लेके जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, बाइक लेके जा सकते हैं, बाइक लेके। तो सम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शन इज हैपनिंग ओवर हेयर, जो कि मुझे देखना था। एक्चुअली फंक्शन ख़त्म हो चुका है, लोग अपने घर जा रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा ही ग्लिम्स दिखा सकता था, तो मैं दिखाया मैंने। इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल यार, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे लोग डांस करते हैं, खाना बना के खाते हैं और अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में रहते हैं। वहाँ से लोग आ रहे हैं, सारे लोग यहाँ पे अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में हैं, विच इज़ अमेजिंग टू लुक एट यार। आप डिफरेंट कल्चर देखने ही आते हो ऐसी जगहों पर, एंड इसीलिए मैं लद्दाख को एक अलग तरीके से दिखाना चाहता था अपने व्लॉग में। आई लव नीमा काला, इतने सारे लोग, व्लॉगर्स, सब कुछ है यहाँ। दिस इज नीमा काला ब्रिज, विच इज़ अब कितना फीट पे है, 12,198 फीट हिंदी में बोला जाए तो। श्रीनगर 250 किलोमीटर, यू आर कमिंग फ्रॉम सोनमर्ग ओनली? एक्चुअली व्हेन वी स्टार्टेड तो वी वर आल्सो इन सोनमर्ग ओनली, एंड देन वी, यस, एक्चुअली वी हैव, आई वी लिव इन जम्मू ओनली, वी हैव वर्क ओवर देयर, दैट्स व्हाई टू दिस टाइम। दिस इज योर लोकल कम्युनिटी एक्चुअली? नो, लोकल कम्युनिटी इज माय फर्स्ट टाइम एक्चुअली। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ स्टडीज एंड ऑल दैट। ओके ओके, यू आर फ्रॉम वेयर? आई एम फ्रॉम मुंबई। मुंबई, ओके ओके ओके, तो आप वहीं से राइड कर रहे हो? ओके, रियली गुड यार, एंड दिस इज माय फेवरेट बाइक, यू नो, एवरीबॉडी इज, दिस इज, मतलब एक, इट्स यू, व्हाट्स योर एज? एज, या, यू कैन से आई एम 50, तो यू अचीव्ड इट एट 50, इज इट लाइक दैट? नो नो, आई हैव बीन राइडिंग, बट देन यू नो आई सेटल डाउन। Okay. This for last 4 years. Last 4 years, and how's your review? Excellent bike. This is a gold standard in adventure. है ना? Gold standard, right? That's versus, right? 1000, yeah. Yes, versus. But I'm just fan of this bike, seriously. And wanted to buy it, but obviously things doesn't work that way all the time. It will. I'm just 23. It will. Yes. Okay then. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too, sir. Yug. Yug. Yes. Great. Okay, sir. Welcome. So why you're riding solo? Isme to aram se do comfortable ho jate. Nahi, with your wife and. Oh, she doesn't like it. Oh my God. Okay, sir. Bye. भाई just Kargil पहुँचा हूँ मैं just. और तुम्हारे भाई ने 3 का वादा किया था, बट 3:33 हो गए मुझे कारगिल पहुँचते, क्योंकि मैं आधे घंटे बीच में, आधे एक घंटा कम से कम मैंने लोगों से इंट्रैक्शन किया होगा। यार इस ट्रिप में इंट्रैक्शन ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ आओ, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग तरह के लोगों से आपको बात करना ज़रूरी है। वो बच्चा हाई कह रहा था, मैंने हाई नहीं किया, आई एम फीलिंग बैड नाउ, क्योंकि मुझे भी याद है यार जब मैं छोटा हुआ करता था ना, हाउ आई गेट, आई यूज टू गेट एक्साइटेड बाई सीइंग पीपल ऑन बाइक राइडिंग। तो छोटे बच्चों को भी एक्साइटमेंट होती है यार, मुझे होती थी तो, और जिनको तो होती होगी ऑब्वियस है। मैं तो देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता था, भाग के जाता था, राइडर्स आ रहे हैं, राइडर्स आ रहे हैं। आज खुद करता हूँ तो बहुत ही अच्छा फील होता है।
बट मैंने रिकॉर्ड टाइम में किया यार, 4 घंटे में फ्रॉम ले टू कारगिल इज डॉट 4 घंटे यार डॉट, वो चीज़ें। चलो पेट्रोल भरा लेता हूँ मैं थोड़ा। तो ये है कारगिल मार्केट। कारगिल भी एक छोटा सा ही शहर है, बट आपको मिल तो सब कुछ ही जाएगा और काफ़ी प्राइस कम रहता है इधर। सच्ची बोलूँ तो आपको इतना कुछ महंगा इधर नहीं मिलता है, ठीक रहता है। लोगों को लगता है कारगिल कुछ भी नहीं है, वो भी डेजर्टेड सी जगह है, जैसे मतलब पूरी इंडिया यही सोचती है कि कारगिल हो गया, ऐसी ऐसी जगहों में कुछ होता ही नहीं होगा, बट जबकि ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, माय गॉड। मार्केट पूरा अच्छा खासा मार्केट है एकदम। यहाँ पे रुका हूँ मैं, खाना मैंने कर ध्यान पूछ रहा हूँ इनसे, बोल रहे हैं भैया बताते हैं भैया खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कारगिल से है 220 किलोमीटर आगे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं। तो जाना है मैंने आज श्रीनगर तक, पर देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं।